शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है लगभग 7 महीने पहले और अपना नाम राखी सावंत से बदलकर फातिमा राखी सावंत रखा है और इसके बाद आदिल दुर्रानी से शादी भी कर ली है। लेकिन यहां पर आदिल दुर्रानी इससे इनकार कर रहे हैं, जबकि राखी सावंत ने जो निकाह के फोटोज हैं, वीडियो हैं, अपने अकाउंट पर शेयर किए हैं। तो इसके बाद राखी सावंत से काफी सारे लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो राखी सावंत का इसके बारे में क्या कहना है आप उनसे ही पूछिए, क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, मुझे नहीं पता। समझ सकते हैं, एक तरफ मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है। हम समझ सकते हैं आपकी बात को, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाय कर रहा है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तकदीर में इतना दर्द क्यों? आपने संभाली रखी, मैं क्या करूं? माँ को संभालूं मौत के मुंह से? कि मेरे वो सारी चीजें दिखी, वो दर्द संभालूं, या आदिल का डिनाई करना मेरे मैरिज को, वो संभालू? अरे बस करो, मुझ पर जुलम बस करो। कर कर के रोती आई हूँ, जिंदगी में चैन का एक पल नहीं मिला शादी के बाद भी, क्यों रहा मेरे साथ ऐसा? राखी, अभी आदिल आपके साथ ही हैं या फिर नहीं? वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, पिछले 7 महीने से हम साथ ही रहते हैं। तो आपने मैंने उनको कहा था कि मुझे मेरी शादी वायरल करनी है, वो मना कर रहे थे, बोले मेरी बहन की शादी है, मेरे खानदान में अभी नहीं अपनाएंगे। तो बोले आपने शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब आपको नहीं करना था, मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला, और मैं आपके हिसाब से मैं सब काम कर रही हूँ। उन्होंने बोला मत बताना मीडिया में हर जगह, मैंने माना कि चलो ठीक है, मुझे नहीं बताना है, डजंट मैटर, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन अभी वो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? रीजन क्या है? वो अपने मुंह से बताए कि क्यों रीजन है, क्या रीजन है? तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे आपको? आप लोग उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछती हूँ तो सबके फोन उसको देती हूँ तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हमारी बात करा सके तो मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ, अभी तो वो नहीं है मेरे साथ, मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। जी